Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. From quite a long time, I have been inactive on the YouTube channel where I was not posting much because of some issues at my personal level. So this time I'm back with the 26 essay types of the titles in IELTS, जिसमें मैंने अभी तक I guess 20 titles जो है discuss कर लिए हैं. There are 6 more to go. So this is one of them, and we are going to start with this series and end it so that आपको हर एक question type, हर एक टाइटल का एग्जैक्ट समझ आ जाए कि आपको कौन सा टाइटल कैसे आएगा और आपको उसको समझना कैसे है. सो अभी तक जितनी भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाली हैं, उन इन द दोस आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू वर्ड बाय वर्ड, कैप्शन बाय कैप्शन, कि इसके अंदर कौन सा सेंटेंस कैसे होगा, क्या इसमें पॉइंट्स लिखेंगे, कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, ऐसे का जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक कैसे करना है. सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द सेम इन दिस वीडियो टुडे, ताकि आपको एक रिवाइंड मिल जाए क्विक कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है. सो लेट्स फर्स्ट रीड द टॉपिक एंड देन अंडरस्टैंड टुगेदर स्टेप बाय स्टेप. सो इट सेज दैट रीसेंट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव मेड द टीवी स्क्रीन सो लाइव दैट पीपल डोंट फील टू गो फॉर एनी लाइव परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? नाउ इफ यू ब्रेक दिस होल थिंग, इसने आज स्टार्ट किया है रीसेंट एडवांसमेंट से जो टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं. उन्होंने टीवी की जो स्क्रीन है उसको बहुत ही ज़्यादा लाइवली बना दिया है, लाइव बना दिया है, ताकि लोगों को ये लगता ही नहीं है कि उनको लाइव परफॉर्मेंस देखने स्पेसिफिकली जाना चाहिए. तो अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अगर हमने व्यू पॉइंट को देखना है कि व्यू पॉइंट है या बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो व्यू पॉइंट है उसमें सेइंग्स होती हैं. शुड होता है, शैल, बिलीव, सजेस्ट, ऑफर, ओपाइन, ये वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है. सो ये बैकग्राउंड स्टेटमेंट होगी? नो, इट इज एक्चुअली अ व्यू पॉइंट स्टेटमेंट. ये कैसे पता चला है? बिकॉज यहाँ पे आ गया सो. सो का मतलब दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग और गिविंग अ सजेशन, क्योंकि उन्होंने पहले रीसेंट एडवांसमेंट्स की बात कर ली, फिर उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि दे डोंट फील द अर्ज टू गो एंड वॉच द लाइव शो बाई देमसेल्व्स इन पर्सन. तो यहां से हमें पता चला कि किसी का ओपिनियन है. दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारा व्यू पॉइंट. अब व्यू पॉइंट कह रहा है कि जो अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुई है, एडवांसमेंट्स या मतलब चेंजेस हुए हैं, उसने टीवी स्क्रीन्स को इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर दिया है, उसकी क्वालिटी को इतना अच्छा इम्प्रूव कर दिया है कि अब किसी को ये नहीं लगता है कि इन पर्सन जाके वो लाइव शो देखें या कॉन्सर्ट अटेंड करें. अब ये जो स्टेटमेंट दी है, व्यू पॉइंट दिया है, आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री. अगर एग्री करते हो तो किस हद तक करते हो, डिसएग्री करते हो तो किस हद तक करते हो, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. तो यहाँ पे हमें ये चीज तो समझ आ गई कि ये कौन सा व्यू पॉइंट है, क्या क्वेश्चन टाइप है, लेकिन टाइटल नहीं पता चला अभी तक. नाउ बाय रीडिंग द वर्ड टेक्नोलॉजी आपको लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बट जैसे कि आप मेरा टेक्नोलॉजी वाला टाइटल देखोगे वीडियो, उसमें आप देखोगे मैंने मेंशन किया है कि टेक्नोलॉजी इज अ वास्ट प्रोग्राम, बहुत कुछ आ जाता है टेक्नोलॉजी में. तो यहां कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है? टीवी स्क्रीन की. इसका मतलब ये जो हमारा टाइटल है टेक्नोलॉजी के अंडर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीडिया. हम टीवी के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, यहां और किसी भी टेक्नोलॉजी की टाइप की बात नहीं होगी. और कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? कंप्यूटर्स आ जाते हैं, आपकी जो सेल्फ हेल्प मशीनरी है वो आ जाएगी, आपकी व्हीकल्स आ जाएंगे, आपके यहाँ मोबाइल फोन के साथ साथ कंप्यूटर्स, लैपटॉप आ जाएंगे. सो हम उस साइड पे नहीं जा रहे हैं, वी आर ओनली गोइंग टू स्टिक ऑन द टीवी स्क्रीन. इसीलिए हमारा टाइटल बन गया मीडिया, कि हमने इसके बारे में बात करनी है. नाउ मूविंग इन डिटेल अबाउट द टॉपिक, अगर उन्होंने कहा है कि टीवी में एडवांसमेंट्स हो गई हैं, वो इतना ज़्यादा लाइव हो गया है कि हमें खुद जाके लाइव देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. अब क्यों ऐसा कहा गया है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है?
जब आप स्क्रीन देख रहे हो, ना वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट्स है, ना वहां पे कोई लॉन्ग ब्रेक्स है, ना आपको वहां पे क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है टिकट लेने के लिए, ना आपको फॉर्मली ड्रेसअप करने होके जाना पड़ रहा है, ना आपको ट्रैफिक से गुजरना पड़ रहा है, ना ही आपको एक बहुत ही महंगी टिकट परचेज करनी पड़ रही है. बिकॉज यू आर सिटिंग एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम्स. आपने सब्सक्रिप्शंस परचेज की हैं जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है, विच आर वे मोर अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट कंपेयर टू दोज लाइव शोज एंड कॉन्सर्ट्स. तो व्हाई नॉट अ पर्सन वुड स्टे एट होम एंड वॉच द स्क्रीन एंड द लाइव शोज ऑन द टीवी स्क्रीन रादर देन गोइंग आउट. तो अगर इसको हम एक वाइडर प्रोस्पेक्ट से देखें, सो इट इज मोर ऑफ एन एग्रीमेंट ऐसे. तो डिसएग्रीमेंट में कम पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में सबसे पहले पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. सेकेंडली, आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर ईटिंग, योर टिकटिंग, योर ट्रैवलिंग, योर ड्रेसिंग. फिर आपको कोई सेपरेट टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि यू हैव टू बी देयर एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. नहीं पहुंचे तो यू लूज द शो, यू विल मिस एवरीथिंग दैट यू हैव बुक्ड एंड एवरीथिंग विल गो इनटू वेन. एंड एक और पॉइंट हो सकता है कि अगर आप वहां पे जा रहे हो, यू माइट मीट स्ट्रेंजर्स, यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल सिटिंग विद देम. कई लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, दे डोंट इवन लाफ आउट लाउड इन द पब्लिक. तो वो चीजें जो हैं आपके लिए एक ऑनलाइन टीवी स्क्रीन इज ब्रिंगिंग टू यू एट होम, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं टू स्टे एट होम एंड वॉच द टीवी स्क्रीन ऑन लाइव शोज, ना कि वहां जाके कॉन्सर्ट पे देखना. डिसएग्री ये हो जाएगा दैट वी आर कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ अवर हाउस, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ अ कम्फर्ट लेवल, वी आर ऑलवेज लोनली, हमें इंट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, हम सोशलाइज नहीं कर रहे हैं. तो ये आपके हो जाएंगे अलग अलग पॉइंट्स. और साथ में ये भी आ जाएगा दैट यू आर नॉट गेटिंग ए सोशल एक्सपोजर. आप वहां किसी से मिल नहीं रहे हो, आप वहां पे लाइव म्यूजिक का एक एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज एट अ कॉन्सर्ट दैट लाइव म्यूजिक हैव अ डिफरेंट वाइब. सो यू वाइब अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड नॉट जस्ट सिट एट होम कन्फाइंड एंड जस्ट वॉच देम लेमली. तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें यूज कर सकते हो. ओवरऑल ये जो टाइप ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीमेंट में जाएगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू और थ्री बॉडी पैराग्राफ फॉर एग्री, वन और टू बॉडी पैराग्राफ ऑफ डिसएग्री. इफ आई से टू और वन, थ्री और टू, यू कैन मेक थ्री और फाइव बॉडी पैराग्राफ्स and including intro and conclusion. So seven body paragraph आप जा सकते हो paragraph में, लेकिन आप इतनी length तभी अपना hit करो अगर आपके points valid हैं plus कोई repetition नहीं है. अगर आपकी repetitions हो रही हैं, points valid नहीं हैं, then please stick to two to one paragraph. Otherwise you can write as many paragraph as you want. What some people do is, वो दो agreement, दो disagreement लिख देते हैं. Conclusion की जगह से पहले वो अपना opinion देके फिर conclude करते हैं. Because पहले उन्होंने दोनों की debate दे देनी होती है, फिर उसके बाद opinion में अपना suggestion देना है कि वो agree कर रहे हैं, disagree कर रहे हैं. The conclusion line is simply the summary or the sum up of the opinion only which you have given. उसमें कुछ अलग नहीं लिखना है. So it's up to you. डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट्स कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, क्या आप उसके अंदर कहना चाहते हो, क्या क्या अलग अलग वेराइटीज के आपके पास ऑप्शंस हैं, सो यू कैन गो विद द पैराग्राफ विच यू वॉन्ट टू गो. इस क्वेश्चन टाइप में आपको कोई भी अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ समझ नहीं आया हो, यू कैन ईजिली रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन, और यू कैन सेंड मी अ कमेंट एंड टेल आस्क मी द क्वेश्चंस दैट यू आर कन्फ्यूज विद. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. इफ यू रियली एंजॉयड वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फेलो फ्रेंड्स. थैंक यू वंस अगेन.